स्टूडेंट, आज फिर से हम एक वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। ये जो वैकेंसी है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की वैकेंसी आई है, जस्ट अभी मेरे पास पहुंची थी, मैं आपके पास पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। अब हम अपने ये जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की जो वैकेंसी आई उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और ये आज ही रिलीज हुई है। डेट आपने यहाँ पे देख रहे हैं 15/5/2019 को, ये आज ही रिलीज हुई है। तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो दो पोस्ट पे आई है, मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर की और मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग के रिलेटेड जो वैकेंसी है एग्रीकल्चर की वो मार्केटिंग की ही आती है। यहाँ पे स्किल की बात की गई, टोटल पोस्ट जो है 25 है, जिसमें 10 UR है और बाकी जितने भी रिजर्वेशन से रिलेटेड पोस्ट है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये वैकेंसी दी गई है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग मुख्य मुख्य पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे जो चर्चा करेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया के बारे में जो बात की गई है, जिसमें मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, जो मैक्सिमम एज है 29 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे कि मिनिमम 60% मार्क्स इन फुल टाइम MSc एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन एनी डिसिप्लिन। आप MSc एग्रीकल्चर से हैं या किसी भी स्पेशलाइजेशन से हैं तभी आप फॉर्म फिल करेंगे। MSc इन स्पेशलाइजेशन इन एनी डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर या मिनिमम 60% मार्क्स इन 2 ईयर्स फुल टाइम MBA PG DBM, जिसमें मार्केटिंग से होती है, एग्री बिजनेस मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, रूरल मैनेजमेंट, रिकॉग्नाइज्ड बाई UGC AICTE, या मतलब साथ में आपकी फुल टाइम रेगुलर डिग्री ऑफ BSc एग्रीकल्चर 60% मार्क्स से होना चाहिए। यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो MSc मांगी गई है, ठीक है। यहाँ पे BSc पे फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म MSc पे है। आगे जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन मांग की गई है वो 30/4/2019 तक ही आपको फॉर्म फिलअप किया, फिर जो भी एज है मिनिमम आपकी 30/4/2019 के पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, 30/4 के पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। और आगे हम लोग बात करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल और OBC के लिए 700 लिया गया है, और SC ST PWD और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लेंगे, फिर हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बातचीत करेंगे। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, तो आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। इसकी वेबसाइट पर हम लोग जाएंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ NFL, यहाँ पे आपकी पूरी वीडियो की मैं ये जो PDF के लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप अपना इस PDF को डाउनलोड करके आप पूरी जानकारी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात है, मेन जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, तो ऑनलाइन टेस्ट कहाँ पे होगी, तो ये जम्मू कश्मीर, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली एंड NCR, लखनऊ, हैदराबाद, पटना, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, रायपुर, रांची, कोची, विजयवाड़ा, यहाँ पे इन्हीं सभी जगहों पे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट इनकी होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप जितने नज़दीक होगा सेंटर डालेंगे, ज़्यादा दूर डालने की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी जर्नी हरेसमेंट होगी और आपका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम एक यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की जो बात करेंगे या फिर सिलेबस की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप इस लाइन को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, जो दी गई है कि एक ऑनलाइन टेस्ट होगी जिसमें डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीडियम ऑफ टेस्ट जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और ड्यूरेशन जो टेस्ट का होगा वो 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट की होगी, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे। आप ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड्स, 150 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन का 1 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का पूरा आपका पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके
क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होंगे, जैसे कि एमएससी पे आप दे रहे हैं तो एमएससी से आपका लेवल एमएससी से होगा। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल इंग्लिश, मैथ मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं, रीजनिंग से होंगे और जनरल नॉलेज से होंगे या फिर जनरल अवेयरनेस से होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। और लेवल ऑफ डोमेन सब्जेक्ट, ये जो पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट है, तो आपकी उसी टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, आप अपडेट होते रहेंगे नेशनल फर्टिलाइजर डॉट कॉम से। फिर इसके बाद आपकी टू स्टेज में आपकी सिलेक्शन है। पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन टेस्ट, जिसके 80% आपके वेटेज होगा, और पर्सनल इंटरव्यू का 20% होगा। फी के बारे में भी आपको, मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट एग्रीमेंट यहाँ पे तो आप पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, इसकी पेमेंट के बारे में, आपकी सिलेक्शन पक्की होगी तब इसके बारे में हम लोग, सर्विस बॉन्ड है आपका, आप इसको सर्विस बॉन्ड जरूर देख लेंगे। जनरल और ओबीसी के लिए 80 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, 3 ईयर्स का। रिजर्वेशन जो आपकी मिलती है इंडियन गवर्नमेंट में, वो आपके यहाँ भी लागू होगी। और आगे इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएंगे। आप हाउ टू अप्लाई, आप इस वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी नेशनल फर्टिलाइजर डॉट कॉम पे। उसके बाद आप कैरियर में जाएंगे, कैरियर के बाद आपकी खुल जाएगी और अप्लाई कर लेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, क्वालिफिकेशन आप अच्छे से डालें, गलत क्वालिफिकेशन डालने पे आपकी जो अभ्यर्थता है वो रद्द कर दी जाएगी। फ्रेंड डिटेल के बारे में आप जानकारी पढ़ लेंगे पीडीएफ में। और इम्पोर्टेंट डेट के बारे में फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। ये कट ऑफ ऑफ जो एलिजिबिलिटी सर, ये जो 30/4 तक ही आपकी एज और सर्टिफिकेट की मान होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आज से चालू हो चुका है, जो 14/6 तक, यहाँ पे आप पढ़ेंगे 14/6 तक ये चलते रहेगा। फ्रेंड्स आप जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लेंगे, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉर्म आप जल्दी ही फिलअप करेंगे। लास्ट में सर्वर की काफ़ी व्यस्तता कारण आपकी फॉर्म फिलअप नहीं हो सकती है, या फिर आप किसी दूसरे जगह बिजी हो सकते हैं, तो आज ही जा कर के आप फॉर्म फिलअप करें। और यदि किसी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर, आप यहाँ पे आप दिया गया है, आप उस पर आप कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यदि आप एनएफएल से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको नंबर यहाँ पे नोट कर देता हूँ, यदि आप 9199284565 इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे, और यदि 50 या 100 कैंडिडेट का मैसेज आता है तो मैं क्यूज ग्रुप भी डेवलप कर लूँगा, जहाँ पे आपको वहाँ पे जनरल जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में, वहाँ पे क्यूज के माध्यम से आपके पास पहुँचाऊँगा। उसका कुछ चार्ज भी होगा, आप मैसेज कर दीजिए मुझे। उसके बाद आप एनएफएल अपना नाम और स्टेट लिख करके आप मुझे मैसेज करेंगे, और क्यूज ग्रुप के माध्यम से कि आपको मैं अच्छे से अच्छे तैयारी करने का प्रयास करवाऊँगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय जवान जय किसान।